Good morning students, this is your lecture 8th video of your SST subject and this is for class 2. Today we are going to start your chapter 4 and the chapter 4 is cloths. Cloths yani ki kapre. So why do we wear clothes? Hum kapre kyu pahante hain? All of us need clothes. हमें कपड़ों की हम सबको कपड़ों की ज़रूरत है. Clothes are another basic need of a man. जो कपड़े होते हैं वो एक अलग ज़रूरत होती है मनुष्य की. We wear clothes to cover our body. हम कपड़े अपने बॉडी को ढकने के लिए अपने शरीर को ढकने के लिए पहनते हैं. Clothes protect us from heat, cold, wind, rain and dust. कपड़े हमें क्या चीज़ से सुरक्षा प्रदान करते हैं? गर्मी, ठंडी, हवा, बारिश और धूल से. We look smart and handsome in clothes. हम कपड़े में सुंदर और खूबसूरत दिखते हैं. We wear different kinds of clothes. हम अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं. Men wear shirts, pants, coats, etc. आदमी शर्ट, पैंट, कोट पहनता है. Women wear साड़ी, ब्लाउज, सलवार सूट, etc. जो महिलाएं होती है वो साड़ी, ब्लाउज और सलवार सूट पहनती है और भी बहुत कुछ पहनती है. Children wear shorts, skirts, frocks, etc. बच्चे जो होते हैं वो shorts पहनते हैं, skirts पहनते हैं और frock पहनते हैं. We wear different kinds of clothes in different season. हम अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं. Did you know? क्या आप जानते हैं? Cotton can absorb up to 27 times its own weight in water. Cotton अपने से भारी 27 गुना हो जाता है पानी में. In summer we wear cotton and silken cloths. गर्मियों में हम cotton यानी कि रुई और silk के कपड़े पहनते हैं. देखो यहाँ people in summer season दिखा रहा है कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं. They keep us cool. वो हमें ठंडा रखते हैं. In winter we wear woolen cloths. हम ठंडे में woolen यानी कि गर्म कपड़े पहनते हैं. देखो यहाँ गर्म कपड़े पहने हुए हैं. उलन क्लॉथ्स की पसवर उलन क्लॉथ जो होते हैं वो हमें गर्मी प्रदान करते हैं. वी वेयर डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन विंटर. हम ठंडे में डार्क कलर यानी कि गाढ़ा रंग के कपड़े पहनते हैं. वेन इट रेन्स वी वेयर रेन कोट्स. जब भी बारिश होती है तो हम रेनकोट पहनते हैं. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. वो हमें बारिश से सुरक्षा प्रदान करते हैं. वी ऑल्सो यूज अम्ब्रेलाज वेन वी गो आउट इन रेन्स. हम छाता का भी यूज करते हैं, छाता का भी इस्तेमाल करते हैं जब भी हम बारिश में बाहर जाते हैं. People living in different parts of our country wear different clothes. लोग जो हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग में रहते हैं वहाँ अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं. We can easily recognize them from the clothes they wear. हम उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं कि जैसे जिस प्रकार के उन्होंने कपड़े पहने रहते हैं उससे हम उनको आसानी से पहचान लेते हैं वह कि किस हिस्से से आ रहे होंगे हमारे देश के. From where do we get cotton, wool, silk और rubber? हम कहाँ से कॉटन यानी कि रुई, उल, ऊन, सिल्क और रबर के कपड़े प्राप्त करते हैं. वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है. कॉटन इज अ सॉफ्ट फाइबर दैट गोज अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट. कॉटन एक मुलायम कपड़ा का होता है जो कि कॉटन प्लांट के बीज से निकलता है. फार्मर्स ग्रो कॉटन प्लांट्स इन दियर फील्ड्स. किसान कॉटन प्लांट्स को अपने खेतों में उगाते हैं. कॉटन इज पिक्ड अप फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. कॉटन को हम कॉटन प्लांट्स के द्वारा प्राप्त करते हैं. इट इज स्पन इंटू यार्न. द वीवर वीव्स द यार्न इंटू क्लॉथ. उनको ना एक यार्न उनका जो कांता होता है उन